एफ क्यूब एक्स इज ग्रेटर दैन एफ ऑफ वन माइनस फाइव एक्स ये क्वेश्चन ठीक है अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे को क्या स्ट्राइक हो जाना चाहिए देखो यहाँ पे वन लिखा है एक्स लिखा है एक्स क्यूब लिखा है यहाँ वन लिखा है एफ एक्स लिखा है एफ क्यूब एक्स लिखा है ठीक है तो अगर इसमें मैंने एक्स की जगह पे तो एफ एक्स रख दिया तो ये आ जाएगा अगर एक्स की जगह एफ एक्स रख दिया तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा <coughs> उसका मतलब क्या है कि जिस इनिक्वालिटी को सॉल्व करना है टू सॉल्व वन माइनस एफ एक्स माइनस एफ क्यूब एक्स इसी को सॉल्व करना है इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज नथिंग बट ये ठीक है इसमें अगर एक्स के एफ एक्स एक रखा तो ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स तो दिस इज नथिंग बट लेफ्ट हैंड साइड इज एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ वन माइनस फाइव एक्स ठीक है तो इफेक्टिवली क्या लिखा है कि इसको एक मिनट के लिए अल्फा की तरह देखा हमने तो बाहर दो एफ लिखे हुए हैं तो अगर ये मान लिया अल्फा है और ये मान लिया बीटा है तो ये तो ऐसे लिखा है एफ अल्फा इज ग्रेटर देन एफ बीटा और मेरे को एक्स के लिए सॉल्व करना है तो एक्स के लिए सॉल्व करने का मतलब क्या है आई एम सपोज टू गेट रेट ऑफ एफ ठीक है तो अब एफ हटाने के लिए फिर मेरे को ये पता होना चाहिए कि एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वो बहुत सिंपल है इस वाले केस में जैसे x भी इंक्रीजिंग होता है x क्यूब भी इंक्रीजिंग होता है तो माइनस एक्स ये हमने फंक्शन में पढ़ा रखा है फ़ंक्शन में बोल रखा है वन वन मैनी वन में कि जो माइनस एक्स है वो डिक्रीजिंग होगा माइनस एक्स क्यूब भी डिक्रीजिंग होगा चाहे तो ऐसे ही बोल दिया चाहे प्रॉपर्ली अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लिया एफ एक्स कितना है वन माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा माइनस वन माइनस थ्री एक्स एक्वायर विच इज ऑफकोर्स नेगेटिव तो अगर नेगेटिव है तो दिस इम्प्लाइज कि जो एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन ये ठीक है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन तो इस बात का मतलब क्या है कि अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग है और अगर ऐसे लिखा है कि एफ एल्फा इज ग्रेटर देन एफ बीटा तो दोनों तरफ से अगर एक एफ हटाया तो इनिक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा ठीक है तो अगर ऐसे लिखा है ना एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ वन माइनस फाइव एक्स तो अगर इस वाले एफ़ को हटाया तो इनिक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा तो ये आर्ग्यूमेंट तो एज़ इट इज़ यहाँ पर आ गया ये आर्ग्यूमेंट एज इट इज़ यहाँ पर आ गया बस ये इनक्वालिटी का साइन पलट के क्या हो गया ग्रेटर देन से लेस देन हो गया ठीक है अब इसे सॉल्व कर लो बस दिस एम्प्लाइज एज रीजन क्या हुआ इसका एज एफ एक्स ये ठीक है डिक्रीजिंग <coughs> तो अब एफ एक्स क्या है एफ एक्स वन माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब तो वन माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब इज लेस देन वन माइनस फाइव एक्स तो ये वन और वन कैंसिल हो गया और यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स ग्रेटर देन जीरो इसमें से अगर एक्स कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो ये इन इक्वलिटी सॉल्व करना है नाउ दिस इज नथिंग बट एक्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो ठीक है तो अगर नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो माइनस टू जीरो टू ये तो सिंपल एल जबड़े की इन इक्वलिटी इसे तो सॉल्व कर ही सकते हो ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू जीरो यूनियन टू टू इन्फिनिटी ये आंसर होगा ठीक है सिंपल क्वेश्चन था दिस वाज़ फिफ्थ क्वेश्चन सॉरी फोर्थ क्वेश्चन विल कम टू फिफ्थ क्वेश्चन विच इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन साइन एक्स माइनस ए साइन टू एक्स वन बाई थ्री साइन थ्री एक्स एंड टू एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है साइन एक्स माइनस ए साइन टू एक्स वन बाई थ्री साइन थ्री एक्स प्लस टू ए एक्स माइनस वन बाई थ्री साइन थ्री एक्स प्लस टू एक्स ए साइन टू एक्स ये ठीक है इंक्रीजेज थ्रू आउट द नंबर लाइन मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए ये ठीक है सॉरी क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन hmm. तो अब क्या आ गया हमारा सोल्यूशन फाइव तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे वही एफ डैश एक्स निकाला एफ डैश एक्स विल बी कॉस एक्स माइनस ए साइन टू एक्स का डेरिवेटिव कहना होगा कॉस टू एक्स फिर चेन रूल से टू एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो एक टू और आ जाएगा और माइनस वन बाई थ्री साइन थ्री एक्स का डेरिवेटिव कॉस थ्री एक्स फिर अंदर से एक थ्री और आ जाएगा प्लस टू है ये कैंसिल ये कैंसिल ठीक है अब ये दिखाई दिया हमें तो हमारा ऑबियस थॉट क्या होगा ऑबियस थॉट सबसे पहले तो ये होगा कि यहाँ पे टू है यहाँ पे टू है और इसमें भी ए नहीं और इसमें भी ए नहीं है तो जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको क्लब कर तो cos x cos x, plus, लिया तो दिस एम्प्लाइज कॉस एक्स माइनस कॉस थ्री एक्स ठीक है एंड प्लस अगर टू ए कॉमन लिया तो आ जाएगा वन माइनस कॉस टू एक्स ये आ गया ठीक है दिस इज इक्वल्स टू फार्मूला लगा दिए कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला टू साइन सॉरी डिफरेंस बाय टू तो एक्स आ जाएगा इंटू साइन सम बाई टू तो थ्री एक्स प्लस एक्स कितना हो गया टू कितना टू एक्स प्लस टू ए वन माइनस टू एक्स कितना होगा टू साइन स्क्वायर एक्स ठीक है दिस इज इक्वल टू टू साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स को लिख लिया फिर दोबारा टू साइन एक्स इंटू सॉरी <coughs> और दूसरा टर्म हो गया फोर ए साइन स्क्वायर एक्स तो इस पूरे में से फोर साइन स्क्वायर एक्स ये कॉमन आ जाएगा ये बचा <coughs> क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें ए का वैल्यू बताना है ताकि ये पूरे नंबर लाइन पे ये एक्स की हर वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग है तो एक्स की अगर हर वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग चाहिए तो इसमें एफ डैश मतलब ये तो एफ डैश को मैं सिंप्लीफाई करके ये लिखा है तो ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए ठीक है ठीक <coughs> है तो उसका मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वस टू जीरो ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब यह है कि जो इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट है वो हम अलग से चेक करेंगे कि कोई इंटरवल वगैरह तो फॉर्म नहीं हो रहा है ठीक है <coughs> सॉरी तो इसका मतलब क्या है कि फोर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ए दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अब इसमें क्या है जो साइन स्क्वायर एक्स है वो हर जगह पॉजिटिव ही होगा कुछ जगह पे जीरो भी होगा अब जहाँ पे जीरो हो रहा है वो डिस्क्रीट पॉइंट आएंगे जैसे पाई पे जीरो हो गया फिर टू पाई पे जीरो हो गया ऐसा नहीं हो सकता कि साइन एक्स एक पूरे इंटरवल में जीरो हो जाए ठीक है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा साइन इसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं तो हमने क्या किया कि अगर ये हमेशा ही नॉन नेगेटिव है तो उसको हटा दिया ये ठीक है बस अब हमें क्या चाहिए कि कॉस एक्स प्लस ए एक शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ठीक है हमेशा ये सही होना चाहिए एक ही ऐसी वैल्यू चूज करनी है कि ये हमेशा सही आए उसका मतलब क्या है ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स। अब हमें क्या चाहिए हमें ए का वो वैल्यू चूज करना है कि ये रिलेशन हमेशा सही आए ठीक है माइनस कॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा ठीक है तुम इसको ऐसे देखो कि माइनस कॉस एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा माइनस वन से लेके वन तक ठीक है एक्स का अगर अलग अलग वैल्यू रखोगे तो राइट हैंड साइड माइनस वन और वन के बीच में ही रहेगा हमेशा और मेरे को क्या चाहिए कि ए ऐसे चूज करना है कि ये हमेशा सही रहे तो अगर ए को इस इंटरवल से हमेशा बड़ा ही आना है या बराबर आना है तो ए शुड बी गिड़दन इक्वल टू वन ये ठीक है ए शुड बी गिड इक्वल टू वन क्योंकि अगर ए यहाँ पे अगर हमने ए की वैल्यू वन या वन से बड़ा कुछ भी रखा तो दिस विल ऑलवेज बी ट्रू ठीक है ये हमने ऐसे तुक्का नहीं मारा है लॉजिकली समझ में आना चाहिए कि क्या कर रहे हैं मतलब ऐसे नहीं किया है कि कोई बोलेगा माइनस कॉसेक्स में कॉसेक्स की हमने माइनस वन रखा तो ये आ गया फिर दूसरा बच्चा बोलेगा कि कॉसेक्स प्लस वन क्यों नहीं रखा ये ठीक है ऐसा नहीं कि हमने तुक्के से कोई वैल्यू रखा है वो डिपेंड करता है कि लॉजिकली क्या बोल रहा है या फिर इस इनिकवालिटी का साइन क्या है ये ठीक है फॉर ऑल बोल रहा है या फॉर सम बोल रहा है इसमें तो उसने बोला कि एक्स की हर वैल्यू के लिए सही आना चाहिए तो ए अब हमें ऐसा सेलेक्ट करना है कि एक्स की हर वैल्यू के लिए सही आ जाए अगर मान लिया ए का वैल्यू मान लिया मैंने माइनस फोर ले लिया तब तो क्या होगा कि ये एक एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए सही नहीं हो सकता माइनस फोर माइनस कॉस एक्स से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता तो वो तो हो ही नहीं सकता वैल्यू या मान लिया मैंने बोला कि ए का वाली जीरो ले लिया तो जीरो ग्रेड देन इगोज टू माइनस कॉ सेक्स एक्स के कुछ, कुछ वैल्यू के लिए तो सही हो जाएगा कुछ वैल्यू के लिए बट एस हर वैल्यू के लिए सही नहीं होगा तो हमें तो क्या चाहिए कि हर वैल्यू के लिए दिस शुड होल्ड तो इसलिए जो इंटरवल आया अगर मेरे को चाहिए इस इंटरवल से हमेशा बड़ा ही रहे तो जो इंटरवल का जो राइट मोस्ट पॉइंट है जो राइट हैंड साइड की सबसे बड़ी वैल्यू है अगर उससे भी बड़ा हो जाए तो फिर बाकी वैल्यू से तो अपने आप बड़ा हो जाएगा तो इसलिए राइट हैंड साइड की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है वन तो अगर वन से बड़ा हो जाए तो बाकी सब से तो हमेशा बड़ा हो जाएगा इसलिए पिक्चर में वन आया और इक्वालिटी क्यों लिया है क्योंकि इक्वालिटी लेने में क्या होगा अगर कॉस इसका ए का वैल्यू हमने अगर माइनस सॉरी ए का वैल्यू अगर हमने वन ले लिया तो ये वाला फैक्टर इन्फानिट जगह पे जीरो हो जाएगा ये ठीक है जब भी कॉस एक्स का वैल्यू माइनस वन होगा तभी ये फैक्टर जीरो हो जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो तो डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं डिस्क्रीट पॉइंट पे अगर एफ डैश एक्स जीरो होगा और बाकी सब जगह पॉजिटिव होगा तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा तो अगर ये सब एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो ए का फाइनल वैल्यू कितना होगा? गया वन टू इन्फिनी यही आंसर ठीक है सो दिस वॉज नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वॉज क्वेश्चन नंबर फाइव